हेलो गाइस, कैसा आप सभी लोग। सो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर आप लोग ओप्पो का डिवाइस है ना वो यहाँ पर यूज करते हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ अपना ओप्पो का कलर ओएस 13 अपडेट का एक्सपीरियंस, जो कि मैं यहाँ पर पिछले 2 मंथ से यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो क्या क्या मुझे इस अपडेट के अंदर चेंजेस है ना वो यहाँ पर देखने को मिले हैं, और अपडेट के अंदर बग है ना वो यहाँ पर मिले हैं या फिर नहीं, तो सारी चीजें आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को कम्प्लीट देखना, इस वीडियो में मैं आपके साथ में कंप्लीट रिव्यू है ना वो यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो अगर आपको ये पसंद आ रही है अभी आपको वीडियो को लाइक कर देना है, बाद में आप लोग यहाँ पर भूल जाओगे। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 500 लाइक का, तो जल्दी ही इसको कंप्लीट करा देना। साथ ही में आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है, और जैसे ये अपडेट है वो आपकी डिवाइस के लिए आएगा वीडियो आप लोगों को सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले गाइज मैं आप लोगों को अपडेट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने पहले से बीटा अपडेट है उसको इंस्टॉल करके रखा है, तो कलर ओएस 13 का अपडेट है उसके अंदर आपको अपडेट की साइज है ना वो यहाँ पर एप्रोक्स मिलेगी 500 MB। और अगर आप लोग कलर ओएस 12 अपडेट से डायरेक्ट कलर ओएस 13 का अपडेट है ना उसको आप इंस्टॉल करोगे, सो आप लोगों को एप्रोक्स अपडेट की साइज है ना वो यहाँ पर 5 GB के एप्रोक्स पर देखने को मिल सकती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं फोन स्क्रीन पे, और वहां पर मैं आपको सारी चीजें है ना वो यहाँ पर बता देता हूँ। गाइज बात कर लेते हैं सबसे पहले बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेन चीज है ना वो हम लोगों को हमारे डिवाइस के अंदर देखने को मिलती है। सो जो आप लोगों को बैटरी ड्रेन का इश्यू है ना वो इस अपडेट के अंदर काफी कम देखने को मिलता है। ये मेरा पिछले 2 मंथ का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कलर ओएस 11 का अपडेट है ना वहाँ पर काफी ज्यादा स्मूथ था, कलर ओएस 12 अपडेट के अंदर आप लोगों को बहुत सारे चेंजेस मिले थे। उसी तरीके से कलर ओएस 13 का जो अपडेट है ना इसके अंदर बैटरी ड्रेन का इश्यू है वो आप लोगों को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है बहुत सारे डिवाइस के अंदर। और वहीं मैं आप लोगों से बात करूं, अगर मैं अपने डिवाइस को रात को यहां पर रख के सो जाता हूं तो सुबह तक होते हो से इस डिवाइस के अंदर जैसे कि यहां पर एप्रोक्स आप लोग मान के चल सकते हो 10 से 15% का जो बैटरी ड्रॉप है ना वो मुझे यहां पर देखने को मिलता है। जैसे कि रात को मैंने बैटरी है वो 90% पे रख के रख दिया है, तो सुबह होते होते इसकी जो बैटरी है ना वो आप लोगों को 75 से 70 के बीच में यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये बस नॉर्मल है, बस ज्यादा यहाँ पर नहीं है। बात कर लेते हैं कुछ और चेंजेस के बारे में। सो यहाँ पर अंतुतु बेंचमार्क स्कोर है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो इसका आप लोग रिजल्ट है वो स्क्रीन पे यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो CPU, GPU और मेमोरी के जो भी आप लोगों को स्कोर है ना वो देखने को मिलते हैं। तो ये नॉर्मल स्कोर है, ना ही तो ज़्यादा आपको कम मिलते हैं ना ही आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये वैसे इतना प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ अपडेट काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सही देखने को मिलता है। अगर आपकी डिवाइस के लिए अपडेट है ना वो रिलीज हो चुका है, सो जरूर से आप लोगों को अपडेट है ना उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना चाहिए। कभी कोई भी यहाँ पर एक इश्यू है ना वो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि आप लोग अपने डिवाइस के अंदर जो कंट्रोल सेंटर है ना इसको ओपन करते हो, सो ओपन करने के बाद में कभी कभी ये जो बैकग्राउंड ब्लर का आप लोगों को यहाँ पर जो ये इफेक्ट देखने को मिलता है ना वो इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ स्लाइड करने के बाद में फुल स्क्रीन के अंदर ये वाला जो ब्लर इफेक्ट है ना वो यहाँ पर मिलता है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम देती है। उसके बाद में फोन को यहाँ पर ऑफ करना पड़ता है, वापस से ऑन करना पड़ता है, तब जाके फोन है ना वो यहाँ पर ठीक होता है। तो ये सारी चीजें है ना वो आप लोगों को देखने को मिलती है इस अपडेट के अंदर। अब बात करते हैं कुछ कमाल के इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में। तो आप लोगों को होम स्क्रीन है उस पर यहाँ पर प्रेस करके रखना है, तो वॉलपेपर के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक नया वॉलपेपर है ना वो यहाँ पर देखने को मिला है। बाकी लाइव वॉलपेपर और स्टैटिक वॉलपेपर है, इसके अंदर किसी भी तरीके का जो फीचर है ना और नया वॉलपेपर है वो यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। तो ये है हमारा वॉलपेपर, मेन ये वॉलपेपर है, और इसके पीछे ओप्पो ने इतना एडवर्टाइजमेंट है ना वो यहाँ पर इसलिए किया है ओप्पो, Realme और OnePlus ने, कि यहाँ पर ये जो वॉलपेपर है ना अगर आप लोग अपने फोन को लिमिट से ज्यादा यूज करोगे तो इसका कलर है ना वो यहाँ पर इतना ज्यादा डार्क हो जाएगा, और सुबह के टाइम पे आप लोगों को ये वॉलपेपर है इसका कलर इतना ब्राइट मिलेगा जो कि स्काई ब्लू है, और आते आते रात को इसका जो कलर है ना वो यहाँ पर नेवी ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग अपने फोन है उसकी लिमिट सेट कर सकते हो, जैसे कि 7 आवर में अपने डिवाइस को यूज करता हूँ, 7 से 8 आवर, तो इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में आप
आप लोगों को इसको अप्लाई कर देना है, और जैसे आप लोग अपने डिवाइस को 8 आवर से ज्यादा चला लोगे, इसका कलर है ना वो आप लोगों को यहाँ पर डार्क देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप लोगों को ये वाला वॉलपेपर है ना वो यहाँ पर पसंद आया तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको यहाँ पर सहेज वॉलपेपर का टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग यहाँ पर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्टली आप लोग सहेज वॉलपेपर टेलीग्राम पे सर्च करके इस टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं आप लोग ये वाला KWGD का विजेट है ना वो यहाँ पर किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप लोग देख सकते हो मेरी होम स्क्रीन है ना वहाँ पर बहुत सारे यूजर हैं उनको यहाँ पर पसंद आती है, क्योंकि एक तो वॉलपेपर अच्छा है और ऊपर से ये वाले जो विजेट्स है ना वो यहाँ पर सभी को यहाँ पर अच्छे लगते हैं। तो मेरी फैमिली में भी बहुत सारे यहाँ पर जिन्होंने इसके बारे में पूछा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिंपली यहाँ पर YouTube APK उसको ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है। क्लॉक विजेट सहेज सेन। तो गाइज आप लोग जैसे ये टेक्स्ट है वो यहाँ पर सर्च करोगे आपके सामने मेरी ये वाली वीडियो आ जाएगी। इन दोनों में से किसी को भी आपको वॉच कर लेना है, इसको आपको वॉच कर लेना है और आप लोगों को यहाँ पर पता लग जाएगा किस तरीके से आप लोग यहाँ पर 3 मिनट से भी कम टाइम में इस तरीके के और इसकी तरह 500+ विजेट है ना वो यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे आपके डिवाइस अंदर। जैसे कि ये सेकेंड वाला है, ये वाला फर्स्ट वाला है, तो इसको आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। अभी बात कर लेते हैं आइकन्स के बारे में। तो आइकन को अगर आप लोग ओपन करोगे तो आपको जाना है कस्टम के अंदर, यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है मैच वॉलपेपर कलर्स। तो अभी ये बीटा फेज के अंदर है, मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूं। तो अगर आप लोग इसको यहां पर ऑन करते हो तो आपके डिवाइस के अंदर जो भी आइकन है ना वो यहां पर गूगल की तरह हो जाएंगे। तो एक बार मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं किस तरीके के आप लोगों को यहां पर आइकन है ना वो यहां पर मिल जाते हैं। तो ये टोटल आप लोगों को आइकन पैक है वो यहां पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं आप लोग यहां पर जैसा कि देख पा रहे होंगे। तो मेरे को तो वैसे ये ठीक नहीं लगते, बाकी अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप लोग इनको यहां पर अप्लाई करके भी रख सकते हो। तो इनको मैं एक बार यहां पर ऑफ कर देता हूं। तो यही सारे गाइज आप लोगों को चेंजेस है ना वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसी मैसिव अपडेट के अंदर। अभी बात कर लेते हैं कुछ गेमिंग के बारे में। वैसे मैं ज्यादा गेमिंग तो नहीं करता हूँ, लेकिन हल्की सी आप लोगों को गेमिंग है ना वो यहाँ पर करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके का आप लोगों को यहाँ पर एनिमेशन है ना वो इस अपडेट के अंदर देखने को मिलती है। आई होप गाइज आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक करना है, साथ ही में आपको चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है। फ्यूचर में भी आपको इसी तरीके की वीडियोस है ना वो यहाँ पर मिलती रहेगी अगर आप लोग यहाँ पर अपडेट रहना चाहते हो कलर OS 13 अपडेट के साथ में। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।